दोस्तों जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ें ऐसी हैं जो जावास्क्रिप्ट को बड़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज बनाती हैं। पहली है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम जेसन में भी देखते हैं, और दूसरी चीज़ है जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस। दोस्तों जावास्क्रिप्ट की अपनी ही एक मोनोपोली चलती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो क्लाइंट साइड ब्राउज़र पर रन होती हो। अब कोई चाहे जावास्क्रिप्ट को पसंद करे या फिर ना करे, बट स्टिल हम सभी जावास्क्रिप्ट का कहीं ना कहीं यूज़ तो करते ही हैं किसी ना किसी रूप में। अब जैसे आप अभी को ले लीजिए, आप मुझे इस समय YouTube पर देख रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल अभी ना चाहते हुए भी कर रहे हो। दोस्तों बाकी दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जैसे C++, Java.NET, इन सभी से जावास्क्रिप्ट काफ़ी अलग है। इवन सच बताऊं तो मैंने कई सारे ऐसे डेवलपर्स को देखा है, जब कभी भी वो दूसरी लैंग्वेज स्विच करके जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, अरे जावास्क्रिप्ट में ऐसा भी हो जाता है क्या? और इसकी वजह है वो दो चीज़ें जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। फंक्शंस की अगर आप वैरायटी देखो तो जावास्क्रिप्ट में कितनी वैरायटीज जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल हैं, जैसे एनोनोमियस फंक्शन, नेम्ड फंक्शन, एरो फंक्शन, इनर फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन, कॉल बैक मैथड्स, प्योर फंक्शंस और भी ना जाने कितने। दोस्तों एक टाइम था जब मैंने जावास्क्रिप्ट का क्लोजर टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, तो वीडियोस तो इंटरनेट पे कई सारे अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन सभी में रह जाता था। कई लंबा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जब मैंने क्लोजर को वाकई में जाना, तब मैंने रियलाइज़ किया कि क्लोजर तो वाकई में काफ़ी छोटी सी चीज़ है, जिसको हमने समझने के लिए बेवजह इसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है। दोस्तों क्लोजर का इस्तेमाल हम अपने जावास्क्रिप्ट के पहले प्रोग्राम से ही करना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता कि इस चीज़ को क्लोजर कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस की वैरायटी मैंने आपको बताई थी, तो क्लोजर को समझने के लिए मैं उनमें से कॉल बैक और हाई ऑर्डर फंक्शंस का रेफरेंस लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन ए के नाम से, जिसमें मैंने एक वेरिएबल भी बनाया है वेरिएबल बी, और ए वेरिएबल मैंने बनाया है इस फंक्शन के बाहर, यानी कि बी वेरिएबल का स्कोप हुआ फंक्शनल और ए वेरिएबल का ग्लोबल, और इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को मैंने कंसोल करा दिया है या फिर किसी और काम में ले लिया है। अब अगली कंडीशन में मैंने इस फंक्शन ए को पास कर दिया है फंक्शन बी में एज ए आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन बी एक हाई ऑर्डर फंक्शन बन चुका है, जिसमें हम एक और फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फंक्शन ए एक कॉल बैक मेथड बन चुका है, जिसको अब फंक्शन बी अपने हिसाब से यूज करेगा। लेट सपोज अगर फंक्शन बी फंक्शन ए को कॉल करने की बजाय एक और फंक्शन को फंक्शन ए को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दे, अब ये तीसरे फंक्शन की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो फंक्शन ए को कॉल करे या फिर आगे किसी और फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट सप्लाई कर दे। दोस्तों आपके बिजनेस लॉजिक के हिसाब से कभी कभी ये स्ट्रक्चर काफ़ी डीप भी हो सकता है, जैसे फंक्शन बी के अंदर फंक्शन सी, फंक्शन सी के अंदर फंक्शन डी, और फिर लास्ट में कहीं जाके किसी ना किसी फंक्शन ने फंक्शन ए को रियली में कॉल किया होगा। अब आप ये सोचिए कि इतने डीप स्ट्रक्चर में जाके अगर फाइनली हमारा फंक्शन ए कॉल होता भी है, तो क्या उसके पास वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का एक्सेस रहेगा? और इसका जवाब है यस। दरअसल जब भी हम किसी फंक्शन को एज ए कॉल बैक दूसरे फंक्शन में पास करते हैं, तो फंक्शन के अलावा जावास्क्रिप्ट उस फंक्शन में यूज होने वाले वेरिएबल, उनका स्कोप और उनकी वैल्यूज को अटैच करके आगे भेजता है, जिससे किसी भी मोमेंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यूज का एक्सेस हमेशा उस फंक्शन के पास होता है। अब इसी अटैचमेंट को क्लोजर बोला जाता है। दोस्तों जावास्क्रिप्ट कभी भी ये नहीं भूलता कि उसके फंक्शन को किस वेरिएबल का एक्सेस है, उनका क्या स्कोप है और उनकी क्या वैल्यूज हैं, क्योंकि फंक्शन के ट्रैवल करते वक्त जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये सारी इन्फॉर्मेशन फंक्शन के साथ एज ए क्लोजर अटैच कर दी जाती है, और ये काम तभी से स्टार्ट हो जाता है जब से आप फंक्शन को फर्स्ट टाइम से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो इट मीन्स क्लोजर इज द सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल नेम, वेरिएबल स्कोप एंड इट्स असाइंड वैल्यूज। दोस्तों सिर्फ इतनी सी कहानी है क्लोजर की। अगर स्टिल डू यू हैव एनी डाउट, प्लीज़ पिंग मी इन कमेंट बॉक्स। और आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं और आपको क्या लगता है, तो आप जितने भी मैं आने वाले टाइम में एफर्ट लगाऊंगा, मैं आपके कमेंट्स को देख के उस हिसाब से लगाऊंगा। वेब डेवलपमेंट के कोई भी कंफ्यूज टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वो मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करके लाऊंगा। और दोस्तों अगर रिएक्ट, एंगुलर, एस्टीमेट, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, आई मीन फ्रंट एंड के किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऑल्सो यू मैंशन दैट टॉपिक इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली अपलोड ए रेफरेंस वीडियो फॉर यू।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए थैंक्स और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।